भाजपा की सरकार आने से युवक ने जलाई मार्कशीट की प्रतियां। सपा सरकार ना आने पर युवक ने जलाई मार्कशीट। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद सपा सरकार ना बनने पर बेरोजगार युवक ने किया कार्य। युवक का कहना है कि 5 साल से कोई भी नई भर्ती नहीं निकली और अब 5 साल तक और नहीं निकलेगी। 5 साल और नौकरी ना निकलने पर हमारी ओवर एज हो जाएगी, फिर हम किसी कार्य के नहीं रहेंगे। बेरोजगारी से त्रस्त आकर जलाई मार्कशीट। पूरा मामला करहल थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आज आपने अपनी शिक्षा के कागज जलाए हैं, किस लिए जलाए? पिछले 5 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे थे, जो योगी बाबा की सरकार में नहीं निकली। आने वाले 5 साल में उम्मीद थी कि अखिलेश की सरकार आएगी, लेकिन नहीं हुआ। उम्मीद जो थी वो डूब चुकी। अब योगी बाबा ने पिछले 5 सालों में नहीं निकाली और आने वाले 5 सालों में भी नहीं निकाली। उसके बाद हमारी एज ओवर हो जाएगी, मैं कोई भी जॉब नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो आपने किस किस कक्षा के जो कागज़ है उसमें आग लगाई? हमने हाई स्कूल मार्कशीट सनद और इंटर की मार्कशीट जला दिया। क्या नाम है आपका? सील रतन। कहाँ के रहने वाले? करहल।